हेलो फ्रेंड्स, मैं उगीता और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। ये बच्चों से लेके बड़े तक सभी को बहुत पसंद आता है और हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि हमने इसे गेहूं के आटे और सब्जियों से बनाया है। और जिनको बाहर के सैंडविच खाने बहुत पसंद है, वो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, वो बाहर की रेसिपी खाना भूल जाएंगे, इतना अच्छा बनता है ये। तो चलिए ये मज़ेदार टेस्टी सा नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़े साइज का बाउल ले लेते हैं और उसमें डाल देते हैं हम ये बॉईल किए हुए आलू। ये मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इनको बॉईल करके छिलका निकाल लिया है। तो अभी हम इसको इस बर्तन में ऐड कर लेंगे। चम्मच की सहायता से या फिर हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए, आलू को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अभी हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर देते हैं। तो यह मैं ले रही हूँ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, मीडियम साइज़ की छोटी वाली हरी मिर्च है, 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, नमक ले लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर, आधे छोटे चम्मच से कम भी हम लेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच इसमें डाल देंगे चाट मसाला, साथ ही मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच काला नमक, और इसमें हम लास्ट में ऐड कर देंगे आधा नींबू का रस। इससे ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा, एकदम चटपटा सा। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा मसाला बनके तैयार है। इसको हम साइड में रख देते हैं। ये मैंने कुछ सब्जियां काट के तैयार कर ली। यहाँ पे मैंने खीरा, ककड़ी, टमाटर और प्याज ले लिए हैं। तो ये देखिए, हमारा मसाला तैयार है। साथ में हमने ये आटा ले लिया है। ये गेहूँ का आटा होता है, जो नॉर्मल हम रोटी वगैरह बनाते हैं उसी तरह का आटा गूंथ के हमें तैयार करना है, या फिर हमारे घर में बचा हुआ आटा भी पड़ा रहता है तो हम उसी का भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आटे की हम एक लोई तोड़ लेंगे और जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमें बेल लेना है इसको। ये नाश्ता बनाना बहुत ईजी है और सभी को बहुत पसंद आता है, और ख़ासकर ये गेहूं के आटे से बना है तो काफ़ी हेल्दी होता है। तो ये देखिए, हम जिस तरह ब्रेड होती है, ब्रेड के आकार में इसे कट कर लेंगे चौकोर। आप चाहे तो इसे मनपसंद कोई भी शेप दे सकते हैं इसको। अभी एक कट हम बीच में से लगा देते हैं। तो देखिए, इसी तरह से हम सारे बना के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने आटे की सारी सीट बना के तैयार कर ली है। तो चलिए हम इनको सेक लेते हैं। तो एक तवे पे हम इनको सेक लेंगे। अभी हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। आप ऑयल या घी या बटर कुछ भी लगा सकते हैं इस पर। इन्हें हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, बस थोड़ा ही सेकना है। देखिए, हम दोनों तरफ ऑयल लगा के इनको अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए, हमने सारे सीड्स सेक के तैयार कर ली है, बाकी की भी सेक लेंगे। तो अभी हम 2 ले लेते हैं और उसके ऊपर हम लगा देंगे टमाटर केचप। आप चाहे तो यहाँ पे हरी चटनी भी लगा सकते हैं। इसको अच्छे से फैला लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे हम ये आलू का जो बनाया था मसाला, अच्छे से फैला देंगे इसको। और इसके ऊपर हम रख देते हैं खीरे, टमाटर और प्याज, तीनों को अच्छे से इसके ऊपर डाल देंगे। ये काफ़ी हेल्दी होता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ पे आप चाहो तो इस पर चीज़ भी डाल सकते हो। इसको बंद कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा एक सैंडविच बनके तैयार है। अब आप चाहें तो इसको तवे पे भी सेक सकते हैं इसी तरह, या फिर आप सैंडविच जो ओवन होता है उसमें सेक सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास सैंडविच बनाने वाला ओवन है तो मैं इसमें सेक रही हूँ। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप इसको तवे पे सेकिए, ये तवे पे बहुत अच्छे से सिक जाता है। तो मैं इसको इसमें सेक रही हूँ। ये देखिए, इसकी रेड लाइट ऑन है। जब इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी तब ये सिक्के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, हमारी ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है, इसका मतलब हमारे सैंडविच है जो अच्छे से सिक चुके हैं। तो हम ऑफ कर देते हैं इसको।
तो देखिए हमारे सैंडविच कितने अच्छे सिक्के तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छे सिक गए हैं ये। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया था, वो बताना भूल गई थी, अभी बता रही हूँ मैं आपको कि इसको सेकते वक्त मैंने थोड़ा ऑयल लगा लिया था। तो देखिए कितने अच्छे हमारे सैंडविच बन के तैयार हुए हैं। ये काफ़ी हेल्दी होते हैं क्योंकि हमने इसमें सब्जियों का और गेहूँ के आटों से बनाया है, बहुत अच्छे लगते हैं, सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।